Assalamu Alaikum, grade 7. How are you? Who am I? Faiza Nadeem. What do I teach? English. And what do I do before I start my lesson? I ask you whether all of you are hale and hearty, happy and safe, and are diligent and meticulous as far as your classwork and homework is concerned. Apart from that, I hope, wish, and Pray the best for you in the world and in the hereafter. So, what we are going to do today? Let's go and start today's lesson. G. Mira Bohat Pyara Beta or Bohat Pyari Bithya. The board is asking you to take your Oxford Progressive Reader Book 7 out in specific. The unit that we are going to do today is Unit 3, London, L-O-N-D-O-N London. So all the comprehensions that are present in unit 3 are related to London in one way or another. The comprehension specifically that we are going to do today is from page number 56 to 58, and the title of the comprehension is The Great Fire of London. सितंबर 1666, थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंशन के पहले इस ग्रेट फायर ऑफ लंदन की डिटेल है पहले वो करती हूँ फिर कॉम्प्रीहेंशन को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम इसके करेंगे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स, राइट तो जो डिटेल इससे पहले गिवन है वो ये है कि ये जो ग्रेट फायर थी लंदन की वो एक बेकर शॉप से शुरू हुई थी एक बेकरी को आग लगी थी जिसके नतीजे में वो जो लंडन था उनका पुराना लंडन वो तकरीबन के तकरीबन तक अपॉन फिफ्थ यानी अगर आप एक स्क्वायर के पांच हिस्से करें तो उसमें से चार हिस्से उसके जल गए थे ये आग शुरू हुई थी सितंबर वन सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स से और ये सेवरल डेज तक लॉन्ग की थी बहुत सारे नंबर ऑफ डेज चलती रही थी और दो इसमें मरे तो सिर्फ ट्वेंटी लोग थे ठीक है ओनली ट्वेंटी पीपल डाइड लेकिन जो फोर फिफ्थ ऑफ द ओल्ड सिटी है जो लंडन का ओल्ड सिटी है जिसको आप कहते हैं शहर वो उनका चल के खास्तर हो गया था लंदन के जो घर होते हैं ज्यादातर टिम्बर से यानी से बने होते हैं हम तो जमीन खोदते हैं फिर हम उसकी बुनियादें डालते हैं फिर हम मकान खड़ा करते हैं बड़े मजबूत होते हैं ताकि अर्थक्वेक वगैरह ऐसा कोई चीज आए तो हमारे मकान गिरे नहीं टूटे नहीं अगर आग लग जाए तो भी ऑब्वियसली हमारी दरवाजे वगैरह टिम्बर के बने हुए हैं वुड के बने हुए हैं बाकी सब चीजें इवन हमारी अब तो विंडोज पे अल्मोनियम की है राइट तो आग से भी बहुत नुकसान ना हो लेकिन उनके तो ढांचे होते हैं लकड़ी के जो जमीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो वो सब के सब, सब के सब आग से बिल्कुल खाकर हो गए एंड Thirteen two hundred houses or 89 churches were burned down, yani one three two zero zero houses or eighty nine churches were burned down ho or greatest landmarks they St Paul's Cathedral. that was also burned down or Samuel Pepys it specifically mentioned that he is supposed to be called as Pepys Ye uski diary entries hai. वो पैदा हुआ था 1633 में एंड ही डाइड इन 1703 ही वाज अ डायरिस्ट जैसे बायोग्राफिस्ट होते हैं ना जो दूसरों की लाइफ स्टोरी पे लिखते हैं वो बायोग्राफर्स होते हैं वो बायोग्राफी लिखते हैं उनको कहलाया जाता है बायोग्राफिस्ट इस तरह ये डायरिस्ट था ये डायरी एंट्री करता था अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन दैट स्पेसिफिक डे इन हिज कंट्री ठीक है और उसने अपनी डायरी लिखी हुई थी 1660 से 1669 यानी ये, नाइन इयर्स तक वो रोज जो कुछ भी कंट्री में हो रहा था उस हैपनिंग को रिकॉर्ड करता था और बाद में उसकी डायरी प्रिंट आउट हुई और लोगों को मालूम हुआ कि एक इंसान का पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक हैपनिंग क्या हो सकता है और यू उनकी हिस्ट्री जो है ना वो बेसिकली रिकॉर्ड हो गई जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ जहां भी हुआ वो एक रिकॉर्ड बन गया उनकी हिस्ट्री का राइट सो ये तो थी इंट्रोडक्शन लेट्स गो अहेड। अब हम आ जाते रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग लेकिन रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग से पहले थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन को समझ लें कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट होता है सेकेंड सेप्टेम्बर से फर्स्ट को आग लगी है सेकेंड सेप्टेम्बर से डायरी एंट्री है उस डायरी एंट्री में जो भी सैम्यूल पीप्स ने देखा था अंडरगो किया था एक्सपेरियंस किया था फील किया था वो सारा रिकॉर्डेड है आप पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा बहुत समझ आएगा मैं आपके साथ साथ सवाल जवाब करती हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि उस स्पेसिफिक डे की रिकॉर्डिंग में क्या लिखा हुआ था यानी कि हम शुरू करते हैं सितंबर टू से वॉट वेंट डाउन टू दॉटर साइड वाटर साइड क्या है वॉटर साइड उनका रिवर है T H A M E S लेकिन वो कहलाते है थेम्स है और थेम्स थ जो है इंग्लिश में टर्न नहीं है थ है ठीक है तो वो रिवर थेम्स में जब गया लंदन आपको मालूम है रिवर थेम्स के किनारे पर है तो जब वो रिवर थेम्स के किनारे पर गया तो उसने क्या देखा उसने देखा दैट पीपल वर ट्राइंग टू सिट इनटू द बोट्स ठीक है वो आखिर वक्त तक अपने घर में बैठे रहे और जब उनके घर में आग पकड़ी तो वो अपने घर से निकले और निकल के दरिया में बोट्स में बैठे अपनी जान बचाने के लिए हम इस आंसर को किस तरह फ्रेज आउट करेंगे हम इस आंसर को इस तरह फ्रेज आउट करेंगे दैट फिप्स सॉ दैट पीपल दैट पीपल वर ट्राइंग टू स्टे इन देयर अंटिल द लास्ट मोमेंट Until the last moment, when their house would catch fire, then they would sit in the boats to protect themselves. Okay? Phrases, have helping, aapko di hai answer, I out kar diya hai. Aap khud likho. Which detail tells you about the effect of the fire on living creatures apart from human beings? यहाँ पर वो जिक्र करता है कबूतरों का कबूतर जो होते हैं ना बेटा वो जहां पर रखे जाते हैं वो अपना घर आसानी से नहीं छोड़ते अगर आपने कबूतर पाले हुए हैं या आपके घर की छत पे कबूतरों ने नेस्ट बनाया हुआ है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ते वहां पे इतनी आग भड़की हुई थी इतनी आग लगी हुई थी कि कबूतर जो है वो उसको छोड़ने पे मजबूर हो गए लेकिन आउट ऑफ हैबिट वो पेजेंट्स जो थे वो घर से दूर तक नहीं गए वो ऊपर ही होवर और फ्लाई करते रहे अनलेस उनके जो अपने पर थे वो उस आग से जल गए और वो वहीं गिर के मर गए ठीक है तो इसको आप फ्रेज आउट कैसे करोगे इसको आप यू फ्रेज आउट करोगे दैट द इफेक्ट ऑफ द फायर ऑन फेज यहां से ठीक है ऑन फेजें वर डिस्क्राइब That they are a creature of habit and they don't leave their homes easily. So they kept on flying over their houses until their wings or their feathers or wings caught fire. And they fell down dead. Right? phrase The detail that tells us about the effect of the fire on living creatures is about. Do Living creatures is about pigeons were described as a creature of habit and they do not leave their homes very easily so they kept on flying above the buildings on which they roost and they kept on flying until their feathers or their wings caught fire and they fell down dead this was question number two let's move on to question number three what makes phipps weep on his diary entry of the september two he wept Pipps wept drearily because of the burning of all the buildings and of all the places. Like isko phrase out kaise karoge yung karoge. Peps wept on his diary entry of September 2 as he looked at the massive fire and the destruction that it had brought. that it had brought right what could pips hear on that day on september 2 okay pips heard the creaking of the blazing flames that Burned almost the entire city. You have heard this, or you that Pips heard the blazing fire, the fire in completely anguish, and then he heard the creaking of wood being burned down.

और क्या उसने बैरी किया उसने बैरी किया पामीजान चीज पारिशान चीज बड़ा एक्सपेंसिव चीज होता है तो उसने कहा ऐसा ना हो कि आग से सारा जल जाए तो मैं अपना पामीजान चीज जो है वो सेव कर लू यू हुआ यू सितंबर फिफ्थ की ये स्टोरी है के पिप के फ्रेंड ने एक होल्ड किया अपनी वाइन सेव करने के लिए

तो आप यू लिखेंगे आंसर को दैट द हाउसेस इन टावर स्ट्रीट वर ब्लोन अप वर ब्लोन अप टू कंट्रोल द फायर एंड दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग इट कंट्रोल द फायर वी आर स्पीकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक फायर है ना कंट्रोल द फायर एंड दे were successful in doing it. Okay? What did Pepys record seeing and feeling in Moorfield in his diary entry for September 5th? Pepys records seeing the distress of poor. And feeling the empathy that he had for them. The ground was filled with burning coal, and they were walking on it, and they were looking for somewhere to reside, to have shelter.

पल आर टेकिंग एडवांटेज तो आप इसको क्यों और किस तरह से फ्रेज आउट करेंगे ऐसे करेंगे द फायर ये मैंने शायद दोबारा लिख दिया है फॉलोइंग द फायर ठीक है फीप्स परचेस ऑफ द लोफ at two pins a piece showed the remarkable increase in the prices followed बाई द फायर ठीक है आपको आंसर मैंने फ्रेस आउट कर दिया कंप्लीटली क्विक रिकेपिटुलेशन करें आज के लेसन की वॉट डिट वी डू वी डिड यूनिट थ्री लंडन एंड वी रेड अबाउट अ फायर द मैसेव फायर विच बॉन्ड अराउंड फोर फिफ्थ